हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे, हाजिर हूं आज का राशिफल लेके। बात करेंगे किन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और किन राशि वालों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। तो राशि के क्रम में बात करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपको अचानक लाभ प्राप्त होने वाला है। आज समाज में लोगों के बीच आज आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। यदि कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बेहतर रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन आज सुखमय रहेगा और स्टूडेंट को आज मनचाही सफलता प्राप्त होने वाली है। वही बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा और निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लोगों के लिए जरूरी है कि सावधान रहें, अधिक खर्च से आप बचें। अधिक खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज लोगों से वाद विवाद ना करें। आज छोटी छोटी बातों को लेके किसी से भिड़े नहीं, इससे आपको बड़े नुकसान होने की संभावना है। आज अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, कुछ पेट जन तकलीफें हो सकती हैं तो अपने खान पान में संयम रखें। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं बात करें स्टूडेंट की तो स्टूडेंट को भी आज मानसिक टेंशन बन सकता है और पढ़ाई में मन ना लगने की स्थिति पैदा हो सकती है। तो अपने मन को एकाग्र करके पढ़ाई में लगाएं तो आपको सफलता अंतोगत मिल सकती है। बात करें निवेश की तो निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने इष्ट देव की आराधना करें, जिससे आज के दिन को आप बेहतर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज आकस्मिक लाभ मिलने वाला है। पहले से बिगड़े हुए काम आज बनने वाले हैं। ऐसे कोई काम थे जो बैंकिंग सेक्टर से थे या फाइनेंस से जुड़े हुए काम थे और उनमें रुकावट आ रही थी, तो आज उन्हें कर सकते हैं। आज आपको सफलता मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आज सुखमय रहेगा और स्टूडेंट को भी आज सफलता मिलने वाली है। खासकर यदि मैनेजमेंट फील्ड या बैंकिंग सेक्टर से या फाइनेंस से जुड़ी हुई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलताएँ प्राप्त होने वाली हैं। वहीं बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है। निवेश भी आप कर सकते हैं। बस आपको आज सावधानी रखना है कि किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करना है। अपनी बातें, अपने राज, अपनी प्लानिंग अपने पास ही रखें, किसी के साथ शेयर ना करें तो आज के दिन को बेहतर आप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन कोई यात्रा का मौका मिल सकता है और यात्रा लाभदायक हो सकती है। सरकारी सेक्टर के अधिकारियों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिससे सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात करें दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन आज सुखमय रहने वाला है और स्टूडेंट को भी आज सफलता मिलने वाली है। परंतु आपको भ्रमित नहीं होना है और अपने दोस्तों से सावधान रहना है। दोस्त आज आपका टाइम कहीं ना कहीं अन्य चीज़ों में व्यर्थ में गंवाने में प्रयास कर सकते हैं, तो आपको अपने मित्रों से सावधान रहना है। और बात करें निवेश की तो निवेश आप कर सकते हैं। और वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है। तो आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए बस आपको सावधान रहना है। किसी की सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करना है, खुद रिसर्च करना है, खुद जानना समझना है, फिर ही कोई काम करना है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन कहा जाए तो कहीं ना कहीं विशेष लाभदायक होने वाला है। आज कोई यदि आप तैयारी कर रहे हैं, किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। खासकर स्टूडेंट को कोई परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आपने भाग लिया है तो आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। और घर में यदि पहले से कुछ अनबन चल रही थी, बात ब्याज चल रहा था भाई बंधुओं के बीच, घर के सदस्यों के बीच, तो वो दूर होगा और आपको
देखने को मिलेगा कि सभी घर के सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आज सुखमय रहने वाला है और जो भी बिगड़े हुए काम होंगे वो आज बनने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। वहीं निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं। तो आज का दिन बेहतर है, बस आपको अपने क्रोध में कंट्रोल रखना है, किसी के ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं डालना है, अपनी जिम्मेदारी खुद ही निभाना है, तो आज के दिन को आप बेहतर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए आज कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा। आज वर्क प्लेस में लोगों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे सभी काम बनने वाले हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी तो उससे आज छुटकारा मिलने वाला है और आज पैतृक संपत्ति से कोई विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। आज यदि आप किसी से मिलना चाहते थे, मीटिंग करना चाहते थे या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में आप निर्णय लेना चाहते थे, इन सब विषय के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज आपके वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आज बेहतर रहेगा और स्वास्थ्य में भी पहले से चली आ रही समस्याओं से आज छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य में आज सुधार होने की संभावना है। वहीं बात करें स्टूडेंट की तो स्टूडेंट को भी आज मन चाहे सफलता प्राप्त होगी और निवेश भी आप कर सकते हैं। तो आज का दिन काफ़ी बेहतर है आपके लिए, बस जरूरत है सावधान रहने की गुप्त शत्रुओं से, तो आज के दिन को आप बेहतर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोगों के लिए भी आज का दिन कहा जाए तो यश कीर्ति बढ़ाने वाला दिन है। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आज कोई नए व्यापार की आप शुरुआत करना चाहते थे तो आज कर सकते हैं, या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे या इंटरव्यू देना चाहते थे, इन सभी कामों के लिए आज का दिन बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। आज कोई आपको ऐसी खुशखबरी मिल सकती है कि जो काम पहले से बिगड़ा हुआ था वो बनेगा और ऐसा काम जो कि असंभव जैसे लग रहा था वो भी आज होता हुआ दिखाई देगा। बस आपको अपने विपरीत के प्रति सम्मान रखना है, विपरीत का अपमान नहीं करना है। वहीं बात करें स्टूडेंट की तो स्टूडेंट के लिए भी आज का दिन बेहतर रहेगा और निवेश भी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज कोई आपको यात्रा करने का मौका मिल सकता है और यात्रा लाभदायक रहेगी और आज कोई न कोई लाभ तो प्राप्त होगा परंतु कोई बड़ा व्यय भी हो सकता है। आय के साथ व्यय के भी रास्ते खुलने वाले हैं, तो आज आपको अपने खर्च में कंट्रोल रखना होगा और विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आज कमर में दर्द या शरीर में कहीं दर्द बन सकता है। स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन में आज दिन के उत्तरार्ध में कुछ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं बात करें निवेश की तो निवेश आप कर सकते हैं परंतु बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही निवेश करें। अब बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि के लोगों के लिए आज आकस्मिक लाभ मिलने वाला है। आज संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, संतान को आज कोई विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन भी आज सुखमय रहने वाला है और स्टूडेंट को आज संघर्ष अधिक करना होगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अटेंशन में नहीं पड़ना है, भ्रमित नहीं होना है और पूरी मेहनत करना है तो आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। वहीं बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है। निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लोगों के लिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आज हर काम को सही तरीके से करने की जरूरत है। आज शॉर्टकट अपनाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। आज खासकर सरकारी क्षेत्र से जो लोग हैं उनसे बच के रहना होगा। कोई सरकारी क्षेत्र से आपके ऊपर कोई बड़ा आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन आज बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा।
और स्टूडेंट के लिए आज का दिन अच्छा है। यदि आप सफलता करते हैं तो आपको मेहनत यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। और वही बात करें निवेश की, तो निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लोगों के लिए भी बहुत जरूरी होगा कि आप कर्म करने से पीछे ना हटें। आज समाज में अपनी यश प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा, यश प्रतिष्ठा आपकी धूमिल ना हो, आपके ऊपर कोई कलंक ना लगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आज सामान्य रहने वाला है और स्टूडेंट को आज 50-50 दिन रह सकता है, जैसी मेहनत वैसी सफलता प्राप्त होने वाली है। और वही बात करें निवेश की, तो निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, मीन राशि के लोगों के लिए बेहद जरूरी होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहले से चली आ रही यदि कोई समस्या बीमारी थी, रोग था, तो वो पुनः तकलीफ दे सकता है या गुप्त रोग संबंधित तकलीफें हो सकती हैं, तो आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। और वही बात करें दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन आज बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। खासकर आज आपको इस बात का पूरे दिन ध्यान रखना होगा कि आप अपने वाणी में कंट्रोल रखें, किसी को कुछ कहने से पहले बहुत अच्छे से जान समझ लें, उसके बाद ही कोई बात कहें। आज घर में भी मन मुटाव जैसी स्थिति, तनाव की स्थिति बन सकती है। वहीं बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के लिए आज का दिन अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज आपको संघर्ष अधिक करना होगा। और बात करें निवेश की, तो निवेश करने से भी आज आपको बचना चाहिए। यदि आज के दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान शिव को जल चढ़ाना या कुश का अर्क चढ़ाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो दर्शकों, ये रहा मेष राशि से मीन राशि तक का आज का राशिफल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरिओम।